करके साइन करके अपना कमीशन नहीं बटोरना है। कमीशन खोरी बहुत ज्यादा होता है, स्कूल में चाहे वो ड्रेस का सप्लाई हो या और कुछ हो, सब में कमीशन खोरी है। हम नमस्कार, देश की विकास की सीढ़ी अगर आप रचना चाहते हैं किसी भी राज्य में, राज्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संवैधानिक संरचना अगर हर व्यक्ति तक आपको पहुंचना पड़ेगा तो राज्य का हर एक कोना को आपको टच करना पड़ेगा। शिक्षा मूल मंत्र है, हर व्यक्ति कहता आ रहा है शिक्षा समाज के, राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे शिक्षा जगत के जितने भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या जो भी, जिस तरीके से उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। चलिए इसी सिलसिले पे बात करेंगे। इससे भी पहले मैंने बहुत बार आपको परिचय करवाया है अरविंद सिन्हा जी से, ये एक आईटीआई एक्टिविस्ट हैं। पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। आईटीआई लगाना शुरू कर दिए सब जगह? ये तो बहुत पहले से चल रहा है, शुरू करने वाला कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ये प्रबंधन समिति क्या होता है, कितने तरीके का होता है? देखिए, जैसे प्राथमिक विद्यालय है और मिडिल स्कूल है, ठीक है, या हाई स्कूल है, तो जहाँ तक हमको जानकारी है, अभी तक हम जितना आरटीआई किए और जानकारी है कि एक स्कूल प्रबंधन समिति होता है और एक होता है सरस्वती वाहिनी संचालन समिति। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति में जो खिचड़ी बनता है बच्चा लोग के लिए, वो सब चीज़ के लिए है वो। और जो स्कूल प्रबंधन समिति है वो होगी आपका स्कूल में अगर कोई विकास कार्य होता है, डेवलपमेंट कार्य होता है, तो उसके लिए वो बना हुआ है। और ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि पहले इसका नाम था ग्राम शिक्षा समिति। वो गड़बड़ी क्या है ना कि समिति भले दो है लेकिन दोनों का अध्यक्ष एक ही होता है। तो दोनों का अध्यक्ष अलग अलग एक नहीं हो सकता है? नहीं, अलग अलग नहीं हो सकता है। जो स्कूल प्रबंधन समिति होता है उसमें जो बच्चा लोग पढ़ता है उसका पेरेंट्स लोग का ही बैठक होता है, उसी में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक कोषाध्यक्ष चुना जाता है। ये मैंडेटरी है कि अध्यक्ष वही बनेंगे जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आकर अगर चाहेगा या राजनीति स्तर पर आकर चाहेगा कि उस प्रबंधन समिति का हम अध्यक्ष बन जाएं, तो जैसा ये एज पर रूल्स बता रहे हैं कि ये नहीं पॉसिबल है। अच्छा, जो ये आप बता रहे हैं, क्या किसी अधिकारी से आपको जानकारी है या वाकई में ये नियम है? बिल्कुल, ये नियम है और अधिकारी का ही बयान है, ठीक है। हमने बीओ साहब से भी बात की और मुझे पहले से भी पता था। और केवल अध्यक्ष नहीं, स्कूल प्रबंधन समिति का में जितने भी सदस्य बनते हैं उन सारे के बच्चे वहाँ पढ़ने चाहिए। जिनका बच्चा नहीं पढ़ता है और वैसे लोग अगर वहाँ पर बने हुए हैं या चुन लिए गए नया, तो ये पूरा पूरी असंवैधानिक है, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी जरूरी है क्या कि हर साल इसका चयन हो या दो साल तीन साल, इसका टेन्योर क्या है? एक बार जो प्रबंधन समिति या सरस्वती वाहिनी संचालन समिति कह रहे हैं, इसका टेन्योर क्या है? देखिए, तीन तीन साल के अंतराल में जो है सो स्कूल प्रबंधन समिति का चुनाव होता है। जहाँ तक हम जानते हैं कि ये बीओ के थ्रू से होता है, उनके निगरानी में होता है, जो क्या बोलते हैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी। तो ऐसा होता तो है लेकिन उनकी जो सक्रियता है ना वो बहुत कम है। हम यहाँ पर ये आरोप लगाना चाहते हैं। एक मिनट, सक्रियता मतलब क्या? उनके बिना पहुँचे हुए भी समिति बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, कहना यही है कि जो बीओ जो है या जितना भी सरकारी होता है सबको विजिट करना ही चाहिए। हमारा जिला में या हमारा प्रखंड में जितना भी स्कूल है वहाँ तक पहुँच इनकी होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन समिति का चयन हर तीन वर्ष के अंतराल में हुआ और उसमें अध्यक्ष का बदलाव भी हुआ। सपोज डेट आज से 12 साल पहले ए बैठा, फिर तीन साल बाद बी बैठा, सी बैठा, डी बैठा, लेकिन एक व्यक्ति कोई और है जिसका नाम पूनम देवी है, उसका चयन 2009 में स्कूल प्रबंधन समिति के में हुआ था, लेकिन अभी वो सरस्वती वाहिनी संचालन समिति में उस समय से लेकर के 2021 अप्रैल महीना तक कंटिन्यू है। तो ये पूरा पूरी गैर मतलब संवैधानिक है। मतलब पहले वो दूसरे समिति में, पहले वो नहीं, ठीक है, वो ग्राम शिक्षा समिति में चुनी गई, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वही खिचड़ी वाला का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन तीन साल के बाद जो है जब इसमें चेंजिंग हुआ तो उसमें भी चेंजिंग वाला ही होना चाहिए था, ठीक है, वही कंटिन्यू रहा, लेकिन वो पूनम देवी कंटिन्यू चलते आई। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? पेपर में या क्या वो उनका हस्ताक्षर कहीं मौजूद था? क्या मेरे पास सारा दस्तावेज है, मेरे पास मोबाइल में भी है, अगर मैं चाहे तो मोबाइल में दिखा सकता हूं। एक बात बताइए, क्या आपने मांगा था जो ये दस्तावेज के माध्यम से आपको लगा कि यहाँ गड़बड़ी, आपने मांगा क्या? देखिए, इसका खुलासा हम पूरा नहीं करेंगे वरना फिर जो बाकी स्कूल कॉलेज है ना वो दबाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी मांगे, मेरे पास ये प्रमाण है 2010 से लेकर के 2021 तक पूनम देवी का हस्ताक्षर होते हुए आया है कंटिन्यू, प्रत्येक महीना प्रत्येक दिन।
जहाँ तक मेरे चैनल की बात है, मैंने कड़े शब्दों में हर व्यक्ति से पूछा है, चाहे वो आम हो या खास हो। ना हम पक्ष की बात करते, ना हम विपक्ष की बात करते। इन्होंने मुद्दा उठाया है और RTI के माध्यम से जो अभी सामने आया है, जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं पूनम देवी, कि 12 वर्षों तक उसी पद पर रहीं, और प्रश्न ये मैं नहीं रखता कि उसी पद पर रहीं, बल्कि उनका हस्ताक्षर भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से इनके पास पहुंचा। जानकारी हमको ये मिला है साइड से कि उनका कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ा है। सपोज डेट अगर पढ़ा भी होगा तो 12 साल तक कौन सा स्कूल में बच्चा पढ़ता है? स्कूल तो मिडिल स्कूल है, क्लास 8 तक। आप 12 साल तक कैसे? बच्चा फेल नहीं हो सकता? बच्चा फेल हो सकता है तो बताए ना कि सरकारी है, तो हमको वो देना चाहिए ना कौन सा बच्चा पढ़ता है। आपने तो कुछ भी नहीं बताया। अभी फेल करने का पद्धति खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगला क्या? नहीं अगला मतलब अभी इसी स्कूल में बहुत सारा चीज है। इसी स्कूल में अगला क्या? गड़बड़ियां तो पकड़ा चुकी है, लाखों की गड़बड़ियां है, उस पर अध्ययन चल रहा है, दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। कुछ दस्तावेज नहीं दिया गया है, जिसके लिए हमने जिला शिक्षा अधीक्षक को फिर से पत्र लिखा है कि मुझे बाकी की सूचनाएं भी हमको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा चीज है। एक चूंकि RTI का मामला है तो एक चीज जानना चाहेंगे, जब इस तरह का प्रश्न आप मांगते हैं तो वेट करना पड़ता है या प्रथम अपीलिए जाना पड़ता है, द्वितीय अपीलिए या राज्य सूचना तक जाना पड़ता है, या वाकई फर्स्ट में ही मिल जाता है? ये मांगने वाला और देने वाला पर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है। व्यवस्था तो सब जगह खराब है। अच्छा ये मानेंगे कि RTI वाले में भी व्यवस्था में चरमर स्थिति? बिल्कुल चरमर स्थिति है। क्या क्या सलाह देने जा रहे हैं आप वैसे स्कूलों को जहां पर आज भी गड़बड़ी चल रही? सलाह बोलेंगे, अलर्ट तो नहीं करेंगे, चेतावनी तो नहीं, क्या सलाह है और क्या चाहते हैं? छात्रा का विकास हो, पढ़ाई में अवरुद्धता नहीं आए, है नियमितता, नियमित रूप से सब कुछ चलता रहे, खान पान भी वहाँ मिलता रहे, लेकिन फिर भी आप क्या आग्रह करें? देखिए हम पहले बात दूसरा जगह ले जा रहे हैं। निजीकरण जो गवर्नमेंट कर रहा है वो इन्हीं घटिया टीचर लोग के जो घटिया कार्यशैली है इनके वजह से कर रहा है। आज सोशल मीडिया पे लोग यही बोलते हैं कि मास्टर सोया रहता है सरकारी स्कूल का, तो क्यों नहीं उसका निजीकरण हो? तो हम चाहते हैं कि जब हम टैक्स देते हैं सरकार को तो हमारा टैक्स का पैसा हमको लाभ मिलना चाहिए ना। कहाँ लाभ लेंगे हम प्राइवेट में, फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं? हमको शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, हमको स्वास्थ्य भी मुफ्त में मिलना चाहिए, ये सब चीज़ जो है हमको अच्छा मिलना चाहिए। सब स्कूल सुधार दें, सब सुधार दीजिएगा स्कूल। हम अपना अंतिम प्रयास करेंगे। प्रयास क्या तंग कर रहे हैं आप दूसरे को, बोलते हैं अंतिम प्रयास करेंगे? कौन तंग? क्या है तंग? आप स्कूल के संचालन में परेशानी नहीं हो रही? ये सारी चीजें जब आप मांगते हैं तो आज वो आपके चैनल पे आके बोले कि हाँ हम परेशान हो रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कैसे, मतलब इधर से नहीं पकड़ा है तो उधर से पकड़ा। तो हम क्यों बोलेंगे परेशान कर रहे हैं? आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। हेडमास्टर से क्या अपील करेंगे? प्रबंधन समिति अपनी जगह है, सबसे बड़े मैटर का भूमिका इसमें होता है, उसके भूमिका के बिना कुछ नहीं होता है। स्कूल प्रबंधन समिति जो है उसमें वो सचिव जो है वो पदेन सचिव वो प्रधानाध्यापक ही होते हैं, चाहे वो मैंने कोई भी बदला जाए, तो उनका सहमति के बगैर या उनका इच्छा के बगैर सब चीज करना आसान नहीं है। तो उनको भी ये देख रेख करना चाहिए कि प्रबंधन समिति में या सरस्वती वाहिनी संचालन समिति में ये अनियमितता कैसे चला आ रहा है। अगर चला आ रहा है तो हमको वहां पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए, मेरा कार्यकाल शुरू हुआ तो। ठीक है, यहां पर जो हमारा BPO है, जो CRP है, जो BO है, उनको भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ आंख बंद करके साइन करके अपना कमीशन नहीं बटोरना है, कमीशन खोरी बहुत ज्यादा होता है स्कूल में, चाहे वो ड्रेस का सप्लाई हो या और कुछ हो, सब में कमीशन खोरी है। हम इसका खुलासा बहुत जल्द, अभी कुछ दिन पहले आप 30-40 हज़ार रुपए फाइन लगवाए एक आदमी को ना, लाखों का। बाकी होगा, इस स्कूल में भी बहुत कुछ हुआ है, वो बाद में निकलेगा। मैंने कहा कि अभी उस पर अध्ययन चल रहा है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ियां पकड़ी जा चुकी है। धन्यवाद अरविंद जी, हम स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं, स्कूल के किसी प्रबंधन समिति का नाम नहीं ले रहे हैं, स्कूल के किसी एकेडमिक फॉर्मेट का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ एक बात हम कर रहे हैं, जिनके संज्ञान में ये बात गया है, अखबार के माध्यम से जाए, RTI के माध्यम से जाए, या जिस तरीके से जाए, इनका कहना है कि सरकार ने आपको वहाँ पर अपॉइंट किया है, अगर आप उसकी व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कोई निजी चीड़ देंगे, मेरे बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है स्पष्ट तरीके से कि आप प्रबंधन समिति के माध्यम से जितनी गड़बड़ियाँ किए हैं, या तो आकर आप सरेंडर करें, पब्लिक के सामने आकर आप उसको रखें, और नहीं तो इसके बाद या इसके पर्दे के पीछे आपने जिस तरह का और खेल खेला है, बहुत कम समय में उसको भी उजागर करेंगे। धन्यवाद अरविंद जी, बस एक ही चीज़ है, सरकार से भी एक विनती है, सरकारी अधिकारी से भी एक विनती है, सरकारी नियमों से भी एक विनती है, संविधान के सारे प्रावधानिक धाराओं से भी एक विनती है, किताबों में लिख देने से, धाराओं को पढ़ लेने से हर इंसान अगर ईमानदार हो जाता तो भारत आज सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और ईमानदार पूर्ण राष्ट्र होता, कि सबसे ज़्यादा
शिक्षा को दिखाने और दर्शाने वाला भारत का ही राज्य होता है। जय हिंद श्रीमान। कुछ और बोलना चाह रहे आरटीआई कार्यकर्ताओं से भी अपील है हमारे साथियों से कि वो जो है सो अब बढ़ चढ़ करके मतलब इसमें शामिल हो, क्योंकि जो शिक्षा तंत्र नहीं, जो व्यवस्था तंत्र है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। और आज हमारी आवश्यकता है पूरे देश को, माने या ना माने, ठीक है, और हम सब मिल करके इस आरटीआई कानून को मजबूत करने का काम करें। उसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़े, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर ना लड़े। बस